हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 9th of Jan। आज की तारीख से एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। आज का जो करंट अफेयर है वो एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी को डेडिकेटेड है जिनका नाम है दलाई लामा। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो लास्ट सर्वाइविंग मेम्बर थे दलाई लामा के, उनकी डेथ हो चुकी है। ये आर्टिकल हमारा GS पेपर 2 में इंडिया एंड इट्स नेबरहुड इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट से इम्पोर्टेंट है। दलाई लामा के बारे में जानते हैं। द दलाई लामा बिलोंग्स टू द गलकप्पा ट्रेडिशन ऑफ एंड तिब्बतन बुद्धिज्म। ये गलकप्पा ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। ये 14th दलाई लामा है जिनका नाम तेंजिन ग्यात्सो है। इनसे पहले 13 दलाई लामा और आए थे। दलाई लामा बिलीव करते हैं किस चीज़ पर? मैनिफेस्टेशो ऑफ अवलोकतेश्वर और चैनरिंज। अवलोकतेश्वर क्या है? द मेन इमेज इन दिस पेंटिंग अवलोकतेश्वर द बुद्धिस्वा और कंपेंसेशन। ही इज़ द प्रिंसिपल पोर्ट्रेट डायट्री ऑफ तिब्बत। ये गॉड है, जैसे गॉड टेक्स मैनी फॉर्म्स, गॉड जिसमें दलाई लामा भी एक फॉर्म लेते हैं तिब्बत में, जिन्हें गॉड माना जाता है। दलाई लामा एस्कॉर्ट कब हुए थे? गाइस जब चाइना ने तिब्बत को कब्जाया था, जब दलाई लामा एस्कॉर्ट हुए थे। स्टार्टिंग चेंजिंग 1915 ब्रिंग तिब्बत ऑफिशियल अंडर चाइनीज कंट्रोल में, जब आया था 1959 में। जब ये एस्कॉर्ट हुए तो ये इंडिया आए। यहाँ के फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इनका वेलकम किया और कहा जो आपकी गवर्नमेंट एक्साइल हो चुकी है तिब्बत में, आप उसे यहाँ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में बसा सकते हैं। इनको प्रोसेस ऑफ टू चूज दलाई लामा, ये गाइस बहुत इंटरेस्टिंग है। दलाई लामा को चूज कैसे किया जाता है? फॉलोइंग दिस बुद्धिस्ट बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ, बुद्धिस्ट किस चीज़ पर बिलीव करते हैं? रीइंकार्नेशन पर। रीइंकार्नेशन का मतलब पूर्ण जन्म पर। ये जो दलाई लामा है ये बता जाएंगे कि मेरे से पहले, मेरे से बाद में जो दलाई लामा होंगे वो यहाँ जन्म लेंगे। फिर जो उनके हाई लामाज हैं, हाई लामाज ऑफ गलकप्पा ट्रांजिशन के, वो उनको फाउंड करेंगे और देखेंगे। ये जो दलाई लामा में हैं इन्हें बहुत मुश्किल होता है फाइंड करना, ये भी 4 साल में मिले थे। तिब्बत एंड दलाई लामा इम्पैक्ट ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन। इंडिया चाइना के रिलेशन बिगड़ चुके थे क्योंकि तिब्बत क्या था? एक नेबरहुड कंट्री था इंडिया का। जब ये फुल एसोसिएशन में आया तिब्बत चाइना के, तो इनके रिलेशन बिगड़ चुके थे। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद एंड नेवर गिव अप।